और ये जो प्रोग्राम आज रखा था, आज पहली बार लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था, बौद्ध परिवार मिलन समारोह। ये होता तो कई सालों से आ रहा है, लेकिन आज हमने पहली बार किया यहाँ पर। जो बच्चे और महिलाएं और पुरुषों ने सब में इसमें भागीदारी निभाई है अपनी। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि बुद्ध धर्म, धर्म को माने क्यों, ये कोई धर्म नहीं है। अभी आपने कहा बुद्ध धर्म, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है साइंस की पर आधारित। ये एक मार्ग है जिस पर चलकर लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि अंधविश्वास में लोग फंसकर सिर्फ पैसा गंवाते हैं और दूसरे का कहना मानते हैं। और ये जो बुद्ध धर्म है, इसमें बुद्धि का विकास होता है। बुद्ध यानी बुद्धि का विकास होता है, यानी कि अपने आप सोचने की, समझने की शक्ति, तर्क के आधार पर लोग बात करने लग जाते हैं, अपना अच्छा बुरा सोचने लग जाते हैं। तो ये एक बुद्ध धर्म है, यानी कि मार्ग है। मार्ग पर चलकर जो अपनी उन्नति, अपनी तरक्की वो कर लेते हैं, अपने जो मतलब हम जो अपने लिए नहीं सोच पाते, क्योंकि हम दूसरे का कहना मानते हैं, अंधविश्वास में ये करो वो होगा, ये होगा, ये पूजा पाठ वो, उससे वो परे हो जाते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो बुद्ध धर्म पर चलता है, जो बुद्ध के बताए मार्ग पर चलता है, उस पर कभी अत्याचार नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि चमारों पर भी अत्याचार होता है, और जो वाल्मीकि है उन पर भी अत्याचार, जो और अन्य जातियां उन पर भी अत्याचार। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं होगा कि बौद्धों पर, एक बौद्धों की लड़की का बलात्कार हुआ, या बौद्ध को मारा गया, या हाथ पर काटे गए छूने पर नल या अन्य चीजें। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो बुद्ध धर्म को अपनाएगा वो तरक्की जरूर होगी उनकी, उन पे कोई अत्याचार नहीं है, कुछ होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि जो भी लोग हैं वो बुद्ध धर्म पर चलें, उनकी माने उनको, क्योंकि वो कोई अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। वो शिक्षा की बात करिए कि बौद्ध धर्म की बात करें, लेकिन शिक्षा तो सरस्वती है और सरस्वती ही घर में रखनी चाहिए, तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी। देखिए, अगर सरस्वती को आप मानते हैं तो मैं आपकी जो नॉलेज है वो आपकी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सरस्वती कोई शिक्षा की देवी नहीं है, क्योंकि कभी भी उन्होंने कोई स्कूल नहीं खुलवाया, कभी भी कोई प्रमाण नहीं है किसी महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। जो हमारी सावित्री बाई फूले हैं वो भी पढ़ी लिखी, क्योंकि पहले पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को था ही नहीं। जो उनके पति थे ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने उनको पढ़ाया, जिसके कारण उनके उनको घर से भी निकाला गया। तो आपका मानना है कि मतलब सबसे सरस्वती को घर में रखने से शिक्षा नहीं मिलेगी? देखिए, लक्ष्मी को एक मूर्ति बना के लक्ष्मी को घर में रखा जाता है, तो बक्से में पैसे होते हैं, सूटकेस में पैसे होते हैं, ऐसा माना जाता है? मैं आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मी आती कैसे है। कभी भी लक्ष्मी की फोटो पूजने से कभी लक्ष्मी नहीं आती। आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, जब आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन पाकर, जब वो नौकरी के लिए फॉर्म भरा जाएगा, जब वो टॉपर होगा तो उसको नौकरी मिलेगी, और जब वो वहाँ अपनी नौकरी पर जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पर वो नोटों की गड्डियाँ महीने में लेकर आएगा, तो वो लक्ष्मी होती है। अगर उनके पूजने से, मूर्तियां पूजने से अगर लक्ष्मी आती, तो सड़कों पर जो बेचारे दिन रात बैठे रहते हैं लक्ष्मियों की मूर्तियां बना बना कर, हजारों मूर्तियां उनके पास होती है, तो अब तक वो अमीर हो गए होते। लेकिन